तो यहाँ से हम अपनी पूरी तरकारी ले लिए, ये रही तरकारी, ये रहा चिकन, और इधर है शायद कुछ टमाटे मिर्ची बनाने के लिए। अभी हसन भैया भाई प्याज काट रहे, तो हमारे हसन भैया यहाँ पर देख सकते हो, बहुत मुश्किल से मिले भाई, इनको पकड़ के लाना पड़ा लास्ट में, नहीं आ रहे थे ना। यहाँ पर अबू भैया बिजी होते हुए, सो फाइनली गाइस गुड मॉर्निंग, बैक टू न्यू अनदर वीडियो मिस्टर रजा व्लॉग। नए हो तो प्लीज मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब। आज हम लोग कुछ ऐसा दावत करने के लिए सोच रहे, फंक्शन वो कई को कर रहे, क्या कर रहे पूरा वीडियो देखो समझ में आता। अभी हसन भैया को पकड़ के लाए, मैं हसन भैया अब्बू यहाँ पर खाना बना रहे, टाइम शायद 2 या 2:30 बज रहे, कुछ भी रेडी नहीं था, जल्दी जल्दी मैं कल चंद्रपुर में था, शादी कर ले गए फजर में आके, फिर यहाँ काम गेम कर लेके अपना उठ के जल्दी जल्दी सामान लाए ला के निकी, पूरा रेडी कर रहे, रेडी करके आपको एक एक करके बताएंगे। तो देखो मजे लो, यहाँ पर देखो बावर्ची, अभी मैं शादी जो कर लेके बोला वो ऐसा ना को सोचो, हमारे खयूम भाई की शादी थी, वो निटपा लेके हम लोग आए यहाँ पर, और मुंह भी नहीं धोए, कुछ भी नहीं, ब्रश भी नहीं करे अभी तक हम लोग, टाइम 2:30 या 3 बज रहे, अबू भाई नहीं आए थे, अबू भाई को कहीं नहीं, अबू भाई शादी में दावत नहीं थी दावत नहीं, खयूम भाई दावत कहीं को नहीं दिए भाई, तुम आ गई थी, आ गई थी, हाँ दावत आई थी, लेकिन भाई थोड़ा काम में थे, भाई के घर में मसला हो गया था, वो बोलो जब अबू भाई चोर होगा बोलो, अरे हमारे घर में चोरी हो गई थी भाई, कागज नगर में 90% चोरी बहुत हो रही, इससे पहले बालाजी नगर में सोना चोरी हुआ था, अबू भाई घर में राड चोरी हो गया और वायर चोरी हो गई, वायर चोरी हुआ, और चोर मिले बाद क्या बोल रहा, ये इतनी राड लिए इसके 120 रुपये, ये तुम्हारे 120 ले लो जाओ, बोल रहा ऐसी बोल रहा नहीं ऐसी बोल रहा, वो डेजर चोर है, ऊपर ऊपर आ रहे मारने वो भी चोरी जो कर रहे ना भाई, बच्चे से ज्यादा बड़े भी नहीं है, 15-16 साल के, नहीं सा उनके फोटोज डालो तो डाले तुम, फोटोज डालेंगे, लेकिन हम लोग आ गया थोड़ा कंप्लीट करके दे दिए पुलिस वाले, और उन लोग के हाथ में और केस गीस तो होता नहीं, लेकिन अब थोड़ा उन लोग समझाते सही रास्ते पे लेके आते, तो आप लोग वीडियो देखो। तो 3 आदमी आ गए, ये 4th आदमी है भाई साजिद भाई, इनकी तलाश में अभी हम लोग इनको बुलाए, इनको बोले तो हमारे जो भी है काम करने वाले सब चीज, 14 मुल्कों की पुलिस इनको ढूंढ रहे, तो हम लोग इनके घर के अंदर रखे थे, पकड़ सकते तुम लोग, पकवान रेडी हो रहा है, अभी हम लोग चिकन बिरयानी बना रहे हैं, यहाँ रहा चिकन, ये चावल, ये गैस, ये छिलके, अभी इसको पूरा रेडी करेंगे। क्योंकि अपने हसन भाई जो है सो कैटरिंग, यानी कि आप सभी के लिए क्या बोल रहे हो, घर के लिए होंगे चाहे कहीं में हो, आप कहीं बाहर होंगे, पकवान हो या बड़ा पकवान हो, हसन भाई कैटरिंग दे सकते हो, दे सकते आपको, यह टोटल आपको जो भोगने के साथ तक आपको पूरा टोटल मेटल के साथ आपको जो थे आप जो जिसके मिल जाके आप नंबर ले लिए, अगर भाई तुम लोग एग्जाम्पल मुंबई हैदराबाद में है, घर में खाना नहीं बना सकते, ला नहीं सकते, तो उसी हालत में क्या है, तुम हसन भैया का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तुम लोग कांटेक्ट करो, पूरा A to Z खाली भगोने के साथ चमचे के साथ लाके घर के अंदर रख देते, 5 किलो 10 किलो कुछ भी रहें दो, सब ला के रहते, ऐसा नहीं है, इनका नंबर रहता डिस्क्रिप्शन कॉल करो, पूरी नीटनेस से रहता, यहाँ अपन गैस पे बना रहे थे वो पूरा एक एक करके, ये डाल रहे फूल के पत्ते, गुलाब की पत्ती, ये कस्तूरी मेथी खुशबू आना बोल के, और ये कल क्या बोलते छू तेज पत्ता, कल ये पूरे चिकन में आइटम डाल रहे बिरयानी बनाने के लिए, ये लगता है अगर तुम्हारा अभी बनाया तो घर में बना सकते, ये लेकिन हसन भैया कैसे नहीं बना सकते भाई, हाथ काट के ले जाना पड़ता हो, ये उप्पू उप्पू नमक तेलुगु में उप्पू बोलते ना, पप्पू बोलते अन्नम, ये मिर्ची अब पूरा लाल लाल हो गया, अब ये हरी मिर्ची, बड़े बड़े चाय पी रहे हमला, ये अदरक लहसुन, हो गया और डालने का है, और है डालने का, इतने सब आइटम इसमें गिर रहे हैं।
और यहाँ पुदीना है और ये कश्मीर है और ये अपू भाई पूरे नींबू निचोड़ रहे हैं। ये दही पेरगो निचोड़ो इंग्लिश में बोलो कड़ प्याज पूरी फ्राइड कर रहे तो प्याज है नहीं ये ऑयल कश्मीर ये नींबू डाल रहे भाई खट्टा पान आना बोल के पार्सल रेडी है हम लोग निकलेंगे यहाँ से। ये ब्लैंकेट है और यहाँ पर कुछ खाने के पार्सल है ये बांटने वाले भी।
person you breathe. आज हम लोग ये ब्लॉग में इसलिए बनाए क्योंकि आज मेरा बर्थडे था और मेरे दीदी का भी, तो हम लोग क्या ऐसे डिस्टर्बेट करेंगे करके सोचे। और मेरा इतना भी वीडियो निकालने का ऐसा नहीं था क्योंकि मैं इसलिए वीडियो निकाला, दुनिया में देखो भाई हर जगह बर्थडे बनाते और क्या है वेस्टेज होता, वेस्टेज करते भाई, कितना भी बोले तो नहीं सुनते, कौन भी हम भी नहीं सुनते, तुम भी नहीं सुनते, वो बोल के वेस्टेज। तो इससे अच्छा है हम जब 100% कुछ यानी 100 रुपये की जो कुछ चीज़ ले रहे हैं हम केक, उसके बाद 50 रुपये की लेके 50 रुपये हम ऐसा बांट देंगे करके हम लोग सोचे। तो जितना हो सके हम लोग बांटे और जितना हो सके हम लोग कैप्चर नहीं करें क्योंकि अच्छा नहीं दिखता किसी को देना, बता के देना तो ये अपने इस्लाम में भी नहीं है और अलग ही फील होता है किसी को ऐसा देखे। तो मेरा वो मकसद नहीं था। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और 2K के करीब सब्सक्राइब करके जाओ। और कुछ नहीं है, बस इतना ही कहना था। हमें इसलिए बांटे क्योंकि अगले वाले का चेहरा ज़्यादा नहीं दिखना करके, ऐसा तो हम दोपहर में भी बांट सकते थे, सुबह भी बांट सकते थे, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं बांटे क्योंकि हम जिसको देंगे वैसा नहीं दिखेंगे। वैसे तो बांटे तो बहुत थे लेकिन किसी का ऐसा ज़्यादा शूट नहीं करे, बस 4-5 ऐसे 5-6 क्लिप होंगे जो आप लोगों को ऐसा सिर्फ बताने के लिए इसलिए बताया जा रहा है कि अगर आप भी अपना बर्थडे आ रहा या फिर कुछ भी आपसे हो सकता तो आप बिल्कुल बांटिए। कभी कभी क्या है कुछ कुछ चीज़ दिखाएंगे तो भी वो चीज़ अगर आपकी आपसे कोई 10 लोग या 15 लोग देखेंगे वो कुछ उन लोगों को भी ऐसा मोटिवेट मिलेगा तो वो लोग भी मतलब आपके वजह से ही तो वो 15 लोग जाके बांटेंगे तो एक एक करके ऐसा होते रहेगा। तो अगर किसी को ऐसा बुरा लग रहा तो आपसे हम सारी मांग, कुछ भी नहीं है, लाइट है मसला। तो नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट में विश करो तुम नाम जाके, ये काम कर सकते हो, देखो ये काम दिल खुल के कर लो। यहाँ तक वीडियो देखे तो आप सभी का शुक्रिया, फिर मिलते इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। और याद रखे चलना लद्दाख ट्रिप के एक्सटिमेशन में आप लोग को नेक्स्ट या थर्ड वीडियो में देने वाला हूँ कितना कितना ट्रिप में खर्चा आया, कितने हमारा लगे। और यहाँ पर जो दिख रहा तुम्हारा SCM का हमारा हेलमेट, ये छे हमारी जो जान बचा के रखा, ऊपर वाले की तो मेहरबानी है। यहाँ से तुम देखो मेरे हेलमेट पे कितने स्क्रैचेस है, देखो बस अभी तो आपको शायद लाइटिंग की वजह से दिख रहा नहीं होगा, ये आपको पूरे तड़क तड़क दिख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा उतना नहीं है, मैं इसको रिपेयर करवा लिया हूँ क्योंकि जब मैं मेरा जब क्रैश हुआ था ना 100 की स्पीड में मैं 3 बार पलटी खाया था, किसी को नहीं पता था, हेलमेट मेरे पे सर में था, मेरा GoPro भी फुट गया था। GoPro अभी बैंगलोर में मैं कुरियर करके हूँ, वहाँ से अभी तक नहीं आया, ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुके हैं लेकिन अभी तक बन के नहीं आया। आजकल करके वो लोग डिले कर रहे, चुतिया बना रहे हम लोग, कब देते वो समझ में आ रहा, देते कि नहीं देते कि वो भी समझ में नहीं आ रहा। तो नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर इलेक्शन सब्सक्राइब, जैसे मेरे कैमरे के जो चलेंगे मैं रेगुलर या 2-3 डेज में ब्लॉग कैसे कंपलसरी चालू करूंगा। और याद रखे चलना तुम लोग प्रैंक लाओ बोलते रहते, ज़्यादा प्रैंक में फोकस नहीं है भाई, प्रैंक क्या है किसी को डिस्टर्ब करे वो ऐसा करो बोल के होता,
तो थोड़ा क्या है, तुम लोग ये व्लॉग पे भी इंटरेस्ट रखो, देखो यहाँ से पूरा देखो। मैं करूँगा प्रैंक ऐसा करके नहीं बोला, लेकिन थोड़ा स्क्रिप्टेड प्रैंक नहीं करते हम लोग, इसलिए प्रॉब्लम होती है अगले वाले बोलने से, वही है बस। फिर मैं तीसरे लौड़े पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लेकिन कागज़ ना कर, मैं गरीबा नहीं है, इतना घूमे ढूंढ के कौन कहाँ है, पूरा ढूंढ के थक के लास्ट में गरीबा नहीं मिले अपने को। फिर बाद में क्या है, एक एक के घर में जाके इधर उधर ढूंढ के इधर उधर पूरा कागज़ ना टोटल 360 अराउंड पूरा मीटर घूम लिए, लास्ट में दे दिए। ऐसा समझ में आ रहा था हम खुद गरीब है, दूसरे नहीं है, फिर भी हम लोग ढूंढे जितना हुए। हैदराबाद में सिर्फ निकलते ही ख़त्म होता है, अलहमदिल्ला। फिर मैं तीसरे लौटे तो बैठे, अल्लाह हाफिज़।